बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। वो कहते हैं ना, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया मेरे प्यारे सद्गुर, मेरे प्यारे बाबा जी को खबर हो गई। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपका जीने का तरीका ही बदल जाएगा। आज जिन बातों को हम सब लोग नजरअंदाज करते हैं, आज आपको एहसास हो जाएगा बस वही जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। न जाने लोग अभी तक इन बातों से क्यों अनजान हैं, जो अभी जीते जी नहीं समझ पा रहे कि कैसी कैसी परेशानियों का सामना हमें मरने के बाद करना पड़ता है। यही रोंगटे खड़े करने वाली एक बीवी की आप बीती से आज आपको पता चलेगा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। ये आप बीती ये बीवी भी इसलिए बता पाई क्योंकि मरने के बाद ये दोबारा जिंदा हुई, तो इस बीवी के साथ मरने के बाद जो सुलूक हो रहा था वो आज आप सबको हैरान कर देगा। और सबको ये घटना जरूर सुननी चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। इस घटना से बाबा जी की प्यारी संगत में बहुत सारी संगत आज कुछ खास सीख लेगी और इस घटना से पता नहीं कितनी संगत पर मेहर होने वाली है। सास संगत जी, ये सच्ची घटना अमृतसर में रहने वाली एक बीबी की है। उस बीबी का नाम था गुरसिमरन कौर। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष जब सत्संग फरमा रहे थे तो क्या देखते हैं, एक बीबी जिनका नाम था गुरसिमरन कौर सामने वाली लाइन में बैठी होती है। और जब भी वो सत्संग करते तो संगत में वो बीबी हर सत्संग में उन महापुरुषों का सत्संग सुनने पहुंच जाती। अब जहां पर भी उन महापुरुषों का कीर्तन का जत्था जाता तो वो बीबी हर सत्संग में सामने वाली लाइन में बैठी दिखती। और वो जहां भी सत्संग फरमाने जाते वहीं पर वो बीबी सामने वाली लाइन में हमेशा बैठी दिखती। तो अब इन महापुरुषों ने उस बीबी को बुलाकर पूछा कि बीबी, तेरे घर में तुझे कोई रोकता टोकता नहीं है क्या, क्योंकि हमारा हर रोज नई जगहों पर कई किलोमीटर दूर भी सत्संग होता है, तू वहाँ भी आ जाती है, क्या घर में तुझे कोई काम नहीं होता। तो वो बीबी बोली, मैं क्या करूँगी ऐसे घर में रहकर जहाँ घर का कोई भी मेरे काम नहीं आया। तो वो महापुरुष बोले, लगता है तू घर वालों से बहुत दुखी है, तुझे बहुत तंग करते हैं क्या। तो वो बीबी बोली, नहीं ऐसी तो कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा घर वाला तो बहुत अमीर आदमी है, बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब बेटे भी आज्ञाकारी हैं, कोई तकलीफ नहीं है, पर वो सब मेरे किसी काम नहीं आए। तो वो महापुरुष बोले, क्या गोल गोल बातें कर रही हो, खुल कर बताओ। तो उस बीवी ने बताया कि मैं मरकर जिंदा हुई हूँ। अब महापुरुष उसकी ये बात सुनकर फिर हैरान हुए और वो फिर बोले, बीवी खोल कर बता कि तू बताना क्या चाह रही है। तो उस बीवी ने बताया, मैं हर रोज कई भिखारियों को घर के बाहर खाना खिलाया करती थी, कपड़े बांटा करती थी, बहुत धनवान जो थी दान पुण्य बहुत करती थी, पर नाम नहीं जपती थी, सत्संगत में मैं कभी बैठी ही नहीं। बस एक बार मेरी सहेली जबरदस्ती मुझे सत्संग ले गई और मैं वहाँ सत्संग में मुश्किल से 15 मिनट बैठी और फिर बाहर आ गई और उसके बाद कभी सत्संग गई ही नहीं। और एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई और जमदूत मुझे घसीट घसीट कर लेके जा रहे थे। अब मैं चीखी चिल्लाई पर मेरे घर वाले तो कोई मुझे सुन ही नहीं रहे थे, शायद वो मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे और शायद मैं उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही थी, बस मैं ही अपने घर वालों को देख पा रही थी। मैं चिल्ला रही हूँ पर मेरे कोई घर वाले मदद के लिए नहीं आए। मुझे घसीटते हुए यमदूत इतने भयानक रास्ते से ले जा रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती कितना भयानक रास्ता था। वाणी में यही तो लिखा है, जय महापयान दूत जम दल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चल्ले। वो बीबी फिर बोली कि रास्ते में एक भयानक सी डरावनी गंदी सी अंधेरे गटर वाली नदी आई जो नरक से कम नहीं थी। तो वो जमदूत बोले, इस नदी को तुझे अकेले तैर कर पार करना होगा। तो मैं जमदूत के आगे रोने लगी, घबरा गई कि मुझे इस नदी में मत धकेलो, मैं तो इस गंदे गटर में डूब जाऊंगी। पर जमदूत मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे और वो जमदूत उस नदी में जैसे ही मुझे धक्का देने लगे तो उसी वक्त एक सफेद कपड़ों में एक बीवी प्रकट हुई और उसने मुझे अपने कंधों पर बैठा कर उस नदी से पार करवा दिया। जब मैंने उस सफेद कपड़ों वाली बीवी से पूछा, आप कौन हो,
तो वो बीवी बोली कि तुमने अपने जीवन में जो 15 मिनट का सत्संग सुना था, मैं उसी का फल हूँ। फिर मैंने उस सफेद कपड़ों वाली बीबी को पूछा कि मैंने जो इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने गरीब लोगों को खिलाया, उसका फल ये मिला मुझे? तो वो सफेद कपड़ों वाली बीबी मुझे कहती है, ये फल यहाँ पर नहीं चलते, ये तो धरती लोक पर ही चलते हैं। इंसान जो भी दान करते हैं, ये उसका फल उनको धरती लोक पर ही मिल जाता है, यम लोक में इसका कोई फल नहीं मिलता। और दान का फल तो हर किसी को मिलता भी नहीं, वो कैसे? वो ऐसे कि बड़े महापुरुष कहते हैं कि दान पुण्य करके अगर 3 बार सिर्फ बोल दो, चाहे अपने किसी मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने घर वालों को कि मैंने ये दान किया, कि मैंने वो दान किया, तो वो सारा फल खत्म हो जाता है। और आजकल तो लोग जगह जगह दान करने वाली जगह पर अपना नाम लिखवाते हैं, चाहे पानी की टंकी हो या पंखे हो, कि फलाने बंदे ने ये दान किया है। अब साध संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि पंखा तो घूम रहा है और नाम भी पंखे के साथ घूम रहा है, पढ़ा भी नहीं जाएगा, फिर भी लिखवाते हैं। अब वो बीबी गुरसिमरन कौर महापुरुषों को सारी बात बताते हुए आगे की बात बताती है कि नदी पार होने के बाद वो यमदूत मुझे धर्मराज के पास ले गए। तो वो धर्मराज बोले, ये कौन सी गुरसिमरन कौर को लेके आ गए हो? ये तो दूसरी है, इसी के पड़ोस में दूसरी गुरसिमरन कौर रहती है, उसे लाना था। इतनी सी बात बस धर्मराज की चल ही रही थी कि इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे रिश्तेदार सब रो रहे थे, मेरा शरीर पड़ा था और इतनी देर में मैं उठ खड़ी हुई, सारे रिश्तेदार और घर वाले सब हैरान और मैं भी हैरान थी। और मैं सोचने लगी कि शायद मैंने कोई सपना देखा हो, या मैं ज्यादा देर तक सो गई हूँ और सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा। पर हैरानी मेरी तब और बढ़ गई जब मैंने देखा कि सामने पड़ोस से दूसरी गुरसिमरन कौर के घर से रोने की आवाजें आने लगी, जिसके बारे में धर्मराज ने कहा था। अब वो बीबी महापुरुषों से कहती है कि अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि गलती से ही सही, पर मरने के बाद का नजारा इतना भयानक होता है अगर नाम ना जा पाओ। और गलती से 15 मिनट के लिए सत्संग गई थी, वही सत्संग मेरे वहाँ काम आया। वहाँ मेरे सदगुरु, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माही उधारी। अर्थात यमदूत धक्का देने वाले थे और उसी वक्त नाम प्रकट हुआ और उसको पार कराया, वहाँ मेरे सदगुरु। और अब वो बीबी बोली, अब कुछ भी हो जाए, मैं सारे काम छोड़कर पहले सत्संग आती हूँ। साध संगत जी, जब नाम ने ही वहाँ साथ देना है, तो हम क्यों ना नाम को पक्का करें? बाबा जी ये नहीं कहते कि घर गृहस्थी छोड़कर नाम जपो, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए नाम को जपना है। तो अब इस घटना से यह यकीन तो आपको जरूर हो गया होगा कि दुनिया में कितने ही रंगों में रंग लो, कुछ हासिल नहीं होगा, एक नाम ही हमेशा साथ निभाएगा, वो ही पार लगाएगा। ये जन्म सिर्फ और सिर्फ नाम जपने के लिए ही मिला है और सब कुछ व्यर्थ है। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये बहुत ही जरूरी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।